तहे दिल से शुक्रिया। इतनी भारी संख्या में इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे जैन साहब के दफ्तर के उद्घाटन के लिए। ये जैन साहब का दफ्तर नहीं है, आप ही का दफ्तर है, आप ही ने चलाना है, आप ही ने इसका आज उद्घाटन करने के लिए आप लोग आए हैं। मुझे बहुत खुशी है, पहली बार देश में ऐसा हो रहा है कि 5 साल के बाद किसी सरकार ने 5 साल पूरे कर लिए और लोग उस सरकार की कमियां निकालने के बजाय दिल्ली में जहां चले जाओ लोग उस सरकार की तारीफ कर रहे हैं, लोग उस सरकार के काम गिना रहे हैं। हम कहीं भी जाते हैं हम काम नहीं गिनाते, हम लोगों से पूछते हैं हाँ भाई कोई काम करा, तो लोग अपने आप हाथ खड़े कर करके कोई कहता है कुछ, कोई कहता है कुछ, कोई कहता है कुछ, कोई कहता है जी स्कूल अच्छे कर दिए, कोई कहता है जी अस्पताल अच्छे कर दिए, दवाइयां अच्छी कर दी, बिजली मुफ्त कर दी, 24 घंटे बिजली कर दी, इतने काम हुए, इतने काम हुए हैं। और उस सारे इतने सारे कामों का एक ही सारा श्रेय आप लोगों पे जाता है, क्योंकि 5 साल पहले आप लोगों ने करिश्मा करके दिखाया था। दो बड़ी बड़ी पार्टियां थी, बीजेपी और कांग्रेस, हम तो कुछ भी नहीं थे, नई पार्टी बनी थी, किसी को उम्मीद ही नहीं थी ये जीतेंगे। आपने 70 में से 67 सीट दे दी पिछली बार, उसकी बात कोई कसर तो नहीं रहेगी। अभी ये मीडिया वाले मेरे से पूछ रहे थे, बोले जी कितनी सीट आएंगी, तो ये आप देख लो भाई, जनता ने ये मन बनाया, ये मैं नहीं कह रहा, जनता कह रही है, जनता जनार्दन है। तो 5 साल पहले आप लोगों ने करिश्मा करा था, पूरे देश में करिश्मा करा था, एक छोटी सी नई पार्टी को आपने भारी बहुमत देके सत्ता दी थी, जिम्मेदारी दी थी दिल्ली की, क्योंकि आप लोगों को लगा यार ये ईमानदार लड़के लग रहे हैं, डरते नहीं है किसी से, एक मौका इनको मिलना चाहिए। आप लोगों ने नई पार्टी को वोट दिया, हमारी एक ही ताकत थी, हम कट्टर ईमानदार हैं, सरकार में आए एक एक पैसा बचाया, एक एक पैसा बचाया। ये जैन साहब ये आर्किटेक्ट हैं, पेशे से आर्किटेक्ट हैं, तो जितने फ्लाईओवर बनते हैं, जैसे वजीरपुर वाला फ्लाईओवर बना 325 करोड़ का बनना था, इन्होंने पता नहीं क्या दिमाग लगाया, 200 करोड़ में पूरा कर दिया वो। और एक रानी झांसी फ्लाईओवर बना, वो एमसीडी वालों ने बनाया, एमसीडी में किसकी सरकार है, वो कितने का बनना था जैन साहब, 15 साल पता नहीं 400-500 करोड़ का बनना था, और वो बनते 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 1500 करोड़ का बनाया वो, कितने बता रहे हैं 15 साल लग गए। तो एक तो वो मॉडल है, बीजेपी वालों का फ्लाईओवर 400-500 करोड़ का फ्लाईओवर बनते बनते 1500 करोड़ का बना, और ये हर पूरे देश में यही होता है, ये कोई ऐसा नहीं कि अकेला बना है, पूरे देश में कोई भी सरकारी प्रोजेक्ट हो वो 300-400 करोड़ का हो तो 1500 करोड़ में बनके पूरा होता है, बनते 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 2 साल में पूरा होना तो 10 साल में पूरा होता है। हमारे जितने काम है हर काम में पैसे बचाए, हर काम में पैसे बचाए, इसी वजह से आज महिलाओं की बस यात्रा फ्री हो गई, बिजली फ्री हो गई, पानी फ्री हो गया, स्कूल अच्छे हो गए, शिक्षा फ्री हो गई, दवाइयां फ्री हो गई। और ये कई लोग कहते हैं जी 31 मार्च को खत्म हो जाएगी सारी सब्सिडी, ये कह रहे हैं ना बीजेपी वाले, मैं आज कह के जा रहा हूं जब तक केजरीवाल है आपकी ये सारी फ्री चीजें जारी रहेंगी, ये कुछ खत्म नहीं होने वाला। हाँ उनको वोट दे दिया तो खत्म हो जाएगी, ध्यान रखना जब वोट डालने के लिए जाओ। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब चुनाव के 20 दिन रह गए, हमने अपने लिए एक पैसा नहीं कमाया, ना मैंने कमाया, ना जैन साहब ने कमाया, किसी ने एक पैसा नहीं कमाया, ना पार्टी फंड में पैसे लिए। ये चुनाव आप लोगों का चुनाव है,
आपको लड़ना पड़ेगा, आपको घर घर जाके वोट मांगना पड़ेगा, आपको सब लोगों को समझाना पड़ेगा कि भाई पिछली बार हमने ईमानदारी के लिए वोट दिया था, इस बार काम पे वोट देंगे। कोई आज तक ऐसी पार्टी नहीं आई जो काम पे वोट मांगती हो। मैं तो सबको खुलेआम कह रहा हूँ भाई, अगर आपको लगता है काम किया है तो ही वोट देना। आज तक किसी पार्टी में इतनी हिम्मत नहीं है 5 साल सरकार चलाने के बाद कह दे भाई काम किया है तो वोट देना। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।